नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की ओर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। नए नियम डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले डायरेक्ट सेलर्स पर भी लागू होंगे। इस विषय पर एक्सपर्ट्स के साथ हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियमों के मुताबिक राज्यों को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों की मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। इसके साथ ही डायरेक्ट सेलर के प्रोडक्ट्स या सर्विस से अगर ग्राहक को शिकायत होती है तो जिम्मेदारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भी लेनी होगी। ग्राहकों की समस्या के निपटारे के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। वही ग्राहकों को प्रोडक्ट या सर्विस की शिकायत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से करनी होगी। ग्राहक की शिकायत के बाद जिम्मेदार विभाग को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी और एक महीने के भीतर पूर्ण रूप से शिकायत का निपटारा करना होगा। मुख्य सवाल क्या है आपको बताते हैं। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इसके तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जो जारी की गई है, क्या इनके जो नए नियम है इनकी इसके तहत जो ट्रैकिंग की जाएगी, क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन पर किसी भी तरह की निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियाँ हैं, इनकी शिकायतों के निपटारे से इन कंपनियों के बिजनेस को आगे बढ़ाने में कितना प्रोत्साहन मिलेगा, और साथ ही जिस तरह से हम डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसके साथ ही कई सारे धोखाधड़ी के मुद्दे भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग एडिटर श्रीराम खन्ना है और साथ ही बिजनेस काउंसलर और डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट सोनू शर्मा, ये दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। खन्ना साहब, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले किस तरह से आप इस नए नियम को देखते हैं, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो अधिसूचना जारी की है, डायरेक्ट सेलिंग में जिस तरह की पारदर्शिता की जरूरत थी, क्या इस नियम के बाद, अधिसूचना के बाद आप आती हुई देखते हैं? देखिए, कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि उनको रिकॉग्नाइज करके उनके लिए कोई रूल्स बनाए जाएं जिससे कि उनका बिजनेस आम पब्लिक को लेजिटिमेट लगे। क्योंकि नॉर्मली डायरेक्ट सेलिंग किस तरह है कि भाई एक आदमी दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है और पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग का वो चैनल बनता है। और ये जो शोरूम्स और होलसेलर और रिटेलर के चैनल के को अवॉइड करते हैं, तो ये इसमें पता नहीं लगता कि कौन आदमी किसके बिहाफ पे काम कर रहा है और इससे इसको शक की दृष्टि से भी देखा जाता है कुछ देशों में। तो इसलिए ये इंडस्ट्री मांग करती रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया जाए और उसके काम को, जो इसका काम है, इसको प्रोत्साहित किया जाए। और वो ये चाहते थे कि इस तरह के रूल बने। और मैं सोचता हूँ कि जो लोग डायरेक्ट इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट मार्केटर्स हैं, वो उनको इसका स्वागत करना चाहिए और हम उपभोक्ताओं के बिहाफ पे इनका इस रूल्स का स्वागत करते हैं। जी चलिए, आप तो कह रहे हैं कि आप इन नियमों का स्वागत करते हैं, लेकिन सोनू शर्मा जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, दर्शकों को हम बताना चाहते हैं विस्तार से कि ये नए नियम क्या है और किस तरह से एक्सेप्टेंस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इन अधिसूचना के बावजूद आप बढ़ती हुई देख रहे हैं। मुझे आपका आवाज आ रहा है मैम? Am I audible to all of you? जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो नए नियम अधिसूचना के तहत जारी किए गए हैं, उन पर अगर विस्तार से आप बात कर सकें तो। ऑलरेडी ये पेंडिंग है बहुत सालों से, वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट। और बहुत खुशी है मुझे आज, और ये सितंबर में भी इसका नोटिफिकेशन आया था और हम ड्यू था इसको, ये एक दो महीने में आएगा ही आएगा, तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी पूरी इंडस्ट्री की तरफ से इसको वेलकम करता हूँ। और ये एक ऐसा कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह जो उठाया गया है, जिससे जो सही काम कर रही हैं कंपनियां, जो लीगल तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रही हैं, जो नीति आयोग भी बोलता है कि 2025 तक की इंडस्ट्री करीब करीब 65,000 करोड़ की होने वाली है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। वी ऑल वेलकम दिस
ग्रेट ग्रेट स्टेप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये ऑलरेडी बहुत पेंडिंग था बहुत सारे सालों से, और ये नहीं होने की वजह से जो अच्छा व्यक्ति है, जो अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है, जो अच्छी कंपनियां अच्छे तरीके से बिजनेस कर रही हैं, उनको भी बुरे लोगों के साथ ही एक ही टेबल पर रखकर एक आम आदमी देख रहा था। अब जैसे ये रूल्स नोटिफिकेशन आए हैं, रूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और सारी अच्छी कंपनियों को उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन ये नए नियम क्या है, मेरा सवाल दरअसल आपसे ये था। बहरहाल आप खन्ना साहब, आप अगर विस्तार से नए नियम समझा सकें ताकि दर्शकों को भी पता हो कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जिस अधिसूचना की हम बात कर रहे हैं, इसमें राज्यों के लिए क्या आदेश दिए गए हैं। ये रूल्स हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत बनाए गए हैं, और इसमें जो प्रिस्क्रिप्शन हैं, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी जो इसकी परिभाषा में आती है, उसको ये मापदंड जो है वो क्रियान्वित करने पड़ेंगे कि क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उनको अपने जो ऑफिस है उसका एक चिन्ह देना पड़ेगा कि उनका जो हेड ऑफिस है, जो मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो क्या है, ताकि कोई उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो कर सके। अगर वेबसाइट के माध्यम से वो अपने डायरेक्ट सेलर्स को सपोर्ट करते हैं तो उसके उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में व्याख्या की गई है। फिर ये भी बताया गया है कि जो उनके बिहाफ पे सेल कर रहे हैं वो किस तरह से पारदर्शी रूप से कंज्यूमर्स को सारी जानकारी देंगे, और कंज्यूमर्स के मांगने पर क्या क्या इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए, वो सब इसके अंदर चिन्हित है। मोटी बात यह है कि इस इंडस्ट्री को ये कहा गया है कि आप पारदर्शी रूप से अपना काम करिए, और जो माल बेचते हैं उसके बारे में, माल के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसके दाम के बारे में, उसके ब्रेकअप के बारे में, उसकी वारंटी के बारे में, उसकी गारंटीज के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को दें, जिसके बेसिस पर वो ये स्टडी कर सके और फिर वो खरीद सके। और अगर वो उसको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई शिकायत है, तो वो फिर आप शिकायत आपको करेगा, और आपको 48 घंटे में उसका शिकायत का एक्नॉलेजमेंट करना है और एक महीने में उसका निपटारा करना है। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो कंज्यूमर है उसको कंज्यूमर कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो इनको शिकायत करे, अगर वो निपटारा करते हैं ठीक है, नहीं तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है, या वो स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है जो इसको मॉनिटर करेगी उसको शिकायत भी कर सकता है, उसके ध्यान में ला सकता है कि ये कंपनी फलानी कंपनी ये कर रही है। तो मोटे रूप से जो अनुचित व्यापार प्रथाएं कानून में गिनाई गई हैं उन प्रथाओं को ना किया जाए, इसके लिए एक स्टेप है और हम इसका स्वागत करते हैं। खन्ना साहब, आलोचित व्यापार प्रथाएं, इसके जो मामले सामने आए हैं वो कौन कौन से थे जिसके चलते इस तरह की अधिसूचना या नियम जारी करने की जरूरत पड़ी? देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनुचित व्यापार प्रथाएं जो है वो कानून में परिभाषित है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, और वो हर बिजनेसमैन पे लागू होती है हिंदुस्तान में, और अब से नहीं, 1986 से लागू होती है, और उससे पहले 1984 में MRTP एक्ट में उसको डाला गया था सचर कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुरूप। तो अगर आप कोई कंपनी किसी ग्राहक को किसी भी रूप में गुमराह करती है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में, सर्विस की गुणवत्ता के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में, उसकी उसकी लाइफ उसकी अपना कितनी लाइफ है उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कोई भी चीज़ गलत साबित होती है कि मैं आप कह रहे हो जी ये लाल रंग है और आपने भेज दिया नीला, तो वो भी भ्रामक माना जाएगा। हर तरह की भ्रम को ये अटैक करती है, और यदि कोई भ्रम को में डाल के कंज्यूमर को डायरेक्ट सेलर बेचता है तो वो जो सेल है वो कंज्यूमर शिकायत करके अपने पैसे वापस कर सकता है, और अगर उसको बाल पसंद नहीं है तो उसको वापस भी लेना पड़ेगा। तो ये एक तरह का एक इस तरह के रेगुलेशन है जिससे कि अगर ग्राहक खुश तो सब खुश, और ग्राहक शिकायत करेगा तो उसकी शिकायत की भरपाई इनको करनी पड़ेगी। तो हम इस रूल्स का स्वागत करते हैं और ये इस इंडस्ट्री को और इसके बीच से जो रिलेशनशिप्स हैं उनको अच्छा बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो किस तरह की शिकायत के लिए किस तरह से भरपाई होगी, इस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन सोनू शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि कंपनियों कहा गया है कि वो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को कंपनी में स्थापित करें। ये किस तरह के मैकेनिज्म की बात हो रही है, किस तरह से इसको स्थापित किया जाएगा, इसकी ट्रैकिंग कैसे की जाएगी, कंपनी के लेवल पर अगर मैं समझना चाहूँ तो जिम्मेदारी इस अधिसूचना के बाद कितनी बढ़ गई है ताकि पारदर्शिता मेंटेन की जाए?
ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है मैम कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन चला रहे हैं, ये एक्ट बेसिकली उन पे लागू होता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन प्रोसेस चलाते हैं। एक रुपए का जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट, उसका MRP, उसका रेट इतना ज्यादा डिमांड किया जाता है लोगों से, और वही बीच का पैसा लोगों में रोटेट किया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ। दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा उसके अंदर ये है कि रिक्रूटमेंट बेस्ड जो इंसेंटिव दिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, उसको रोका जाए। रिक्रूटमेंट बेस्ड रीबाइंग का प्रोसेस बहुत सारी कंपनीज में नहीं है, सिर्फ रिक्रूटमेंट बेस्ड पैसा दिया जा रहा है, जो मनी सर्कुलेशन एक्ट के अंदर भी इलीगल है। तो अभी इस लॉ के क्या कहते हैं फ्लोर पे आ जाने से बहुत सारी कंपनियां जो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन चला रही है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, उन सब पे शिकंजा कसा जाएगा, और सही कंपनी जो काम कर रही है उनको बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। अभी मैं इसमें एक बात और ऐड कर देना चाहता हूं कि जितनी भी कंपनीज पिछले 4 से 5 साल के अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं, उसमें बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, और इसकी वजह से कस्टमर का बेहद नुकसान हो रहा है, और एक कस्टमर को भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि इतना पाक साफ बिजनेस, इतना शानदार बिजनेस को वो एक शक की नजर से देखने आता है, क्योंकि 10 अच्छी कंपनी रहती हैं और उसमें से एक बेईमान निकल जाती है तो बाकी सब लोग 9 को भी बेकार तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत स्वागत योग्य एफर्ट है, और इसका जैसा कि सर बता रहे थे कि इसका इंतजार बहुत बहुत सारे सालों से था, और वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये फ्लोर पर आ गया फंड। तो सोनू शर्मा जी, ये जो बिजनेस है ये कितना बड़ा है, और आपने यहाँ पे जिक्र किया पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स का, जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कुछ चला भी रही थी। अब इस अधिसूचना के बाद इस तरह की चीजों पर, इन तरह के मामलों पर किस हद तक रोक लगेगी, इंडस्ट्री के विस्तार को लेकर ये कितना बड़ा कदम है, अभी फिलहाल अगर हम देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से इन कंपनीज का कितना प्रपोर्शन है, और कितनी जरूरत थी इस तरह की अधिसूचना की ताकि ग्राहकों को ये समझ में आए कि उनकी हितों का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई है, एक बॉडी है जो जिम्मेदारी लेती है, और आप अपनी शिकायत भी उन तक पहुंचा सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और सब लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग जो अच्छी कंपनी है, जो सही कंपनीज कर रही है, एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें 100% व्हाइट की ट्रांजेक्शन होती है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, और कस्टमर को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कि जो सही कंपनीज हैं उसमें कोई भी बिलिंग, कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल किया जाता है तो उसके ऊपर प्रॉपर बिल कटता है, आप कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर GST एप्लीकेबल होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनीज डिपॉजिट करती हैं पर मंथ। नंबर 3, आपको जो भी कमीशन आता है वो TDS करके, टैक्स कट के ही आता है। ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां 100% ट्रांसपेरेंसी होती है और लीगल सिस्टम अपनाया जाता है। आज ये करीब करीब 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री है। नीति आयोग का खुद का ये मानना है, KPMG का खुद का ये रिपोर्ट है कि अगर ये इंडस्ट्री सही रही तो 2025 तक करीब करीब 65,000 से 70,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, जहां एक आम भारतीय को रोजगार मिलने की अपार संभावनाएं हैं। आज हिंदुस्तान में आपको पता है COVID-19 के कारण बहुत सारे लोगों को नौकरी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पर है। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से मुक्त, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग बाग, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकती है। बनस्पत इस पे आज ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये ठीक तरीके से अगर लागू हो जाए, क्योंकि ठीक तरीके से लागू होना बहुत जरूरी है, कानून तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से हो जाए तो मैं आपको बता सकता हूं कि 2025 में ये एकमात्र ऐसा उद्योग है जो बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, जहां तक एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी की बात है तो लगभग 7 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा है इस इंडस्ट्री के जरिए, और उसमें भी खास बात यहां पर यह है, उल्लेखनीय बात यहां पर यह है कि 50% से ज्यादा तो इसमें महिलाएं हैं, और जिन अधिसूचना नियमों की हम बात कर रहे हैं, और इन कंपनियों को लगभग 90 दिनों में जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन और इन नियमों को कंप्लाई भी करना होगा। तो खन्ना साहब, सवाल अब यहां पर ये उठता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग की जब बात करते हैं तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का नाम यहाँ पर आता है। जो भी हमने केसेस धोखाधड़ी के या पारदर्शिता की हमने बात की है, कितना भरोसा मिलेगा या कितना एस्टेब्लिशमेंट में और आसानी मिलेगी इन इंटरनेशनल ब्रांड्स को अपने कदम भारत में रखने के लिए, क्योंकि हम बड़े बड़े नाम देखते हैं, एमवे, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, कई तरह की ऐसी डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो इन कंपनियों के हम खरीद पाते हैं। कहीं ना कहीं जिन पॉन्जी स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, इनके ब्रांड को हिट
होता होगा इन सब की वजह से। अब ये ब्रांड्स किस तरह से स्टैंड आउट करेंगे? देखिए, जो मनी सर्कुलेशन स्कीम है वो इस इन इन रूल्स में कवर नहीं होते, तो कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम अपने आप को डायरेक्ट सेलर कह के अपना काम नहीं कर सकता। ये एक इसकी इन रूल्स का एक फायदा होगा। उससे क्या होगा कि जो ये नंबर दो का काम कर रहे हैं उनको पारदर्शिता अपनानी पड़ेगी और उसमें वो पकड़े जाएंगे, और इसका मतलब यह है कि जो नंबर दो का काम करने वाले हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग से अपने बिजनेस को बढ़ाना, क्योंकि इन रूल्स को वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, और फॉलो करेंगे तो फिर वो एक्सपोज होंगे तो उनका बिजनेस जिस तरह वो चल रहे हैं उस तरह चल नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब सोनू जी को क्या लगता है ये वो बताएंगे। जी सोनू जी। मैम, हम लोग जब इस नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे बहुत साल से, आई एम इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स, हम लोगों का डिमांड था कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब तक एक एक्स अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट नहीं करता खोली ना सके। हमारे बहुत सारे सजेशन थे, बहुत सारे हम लोगों ने सुझाव सरकार को दिए, प्रीवियस गवर्नमेंट को भी दिए, और ये जो ये नया गवर्नमेंट है यहाँ पर भी बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बैक टू बैक फिक्की के साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन में थे, टच में थे, कि एक लमसम अमाउंट भी एज अ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराए कोई भी कंपनी अगर अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करना चाहती है। बिकॉज होता क्या है, चार कंप्यूटर लगाए, चार लोग बैठे और अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू कर लिया, और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर कुछ भी ऊट पटांग बेचना शुरू कर दिया, वो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिए जिसका रीबाइंग ही नहीं है, वो प्रोडक्ट जिसका क्वालिटी बहुत खराब है, वो प्रोडक्ट जिसका प्राइस इतना ज्यादा है कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा है। अब इस नोटिफिकेशन के द्वारा सर जो बता रहे थे खन्ना साहब, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि असली और नकली, जिसको कहते हैं दूध और दूध, दूध का दूध पानी का पानी, ये हो जाएगा। और एक कंज्यूमर जो एक सयाना कंज्यूमर है, एक सया कस्टमर है जो अपना करियर बनाना चाहता है इस फील्ड में, वो बिंदास होकर इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकता है और अगले 4 से 5 साल के अंदर अपने सारे के सारे सपनों को पूरा कर सकता है। अच्छा, जिस शिकायत के निपटारे की हम बात कर रहे हैं सोनू जी, ये ग्रीवांस रिड्रेसल की पूरी प्रक्रिया क्या होगी? अगर मैं एक ग्राहक हूँ जिसे अपनी शिकायत का निपटारा करवाना है या अपनी शिकायत पहुँचवानी है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से मुझे अप्रोच करना होगा और शिकायत का निपटारा कैसे होगा? मैम, उसके लिए पूरा नोटिफिकेशन एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया नया नोटिफिकेशन अभी पूरा पब्लिश हुआ है, उसमें क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, क्योंकि सितंबर में भी ये नोटिफिकेशन आया था, 2014 से चल रहा है ये एक्चुअली प्रोसेस, तो एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा कि क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बाद इसके बारे में बात की जा सकती है। खन्ना साहब, आप बताएंगे ग्रीवांस है कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ग्रीवेंस ऑफिसर नॉमिनेट करना पड़ेगा, जिसको कोई भी कंज्यूमर अपनी ग्रीवेंस भेज सकता है ऑफलाइन या ऑनलाइन, और एक नोडल ऑफिसर इनको नियुक्त करना पड़ेगा, और समय सीमा के अंदर जितने भी शिकायत आएंगे इसका निपटारा इन्हें खुद करना पड़ेगा। और हम तो ये सजेस्ट कर रहे हैं सरकार को कि एक स्टैंडर्ड है ISO 10001 और 10002। ISO 10002 ये बताता है कि किस तरह किसी कंपनी को कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स को रिसीव करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको प्रोसेस करके उनका निपटारा करना चाहिए। तो हर कंपनी अपना तरीका अपना सकती है, परंतु अगर एक मापदंड होगा तो वो सबके लिए आसान हो जाएगा और मॉनिटरिंग भी उसकी आसानी से हो जाएगी। इसलिए हम तो ये सजेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि ISO 10002 को अप्लाई किया जाए और इन रूल्स में ISO 10002 को भी मेंशन किया जाए, और अगर नहीं मेंशन करना चाहते हैं तो कंपनी स्वयं ही ISO 10002 फॉलो करना शुरू कर दें। वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है कंज्यूमर कंप्लेंट रिड्रेसल का, और उससे उनकी कंपनी की साख बढ़ेगी। कहीं ना कहीं अगर हमें इस कारोबार को आगे बढ़ाना है सोनू जी, तो इस तरह के नोटिफिकेशंस के अलावा इनोवेशन की भी तो जरूरत होगी इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए आज का जो मार्केट है वो काफी बड़ा है। केवल डायरेक्ट सेलिंग तो एक जरिया नहीं है जहाँ से लोग खरीदारी कर रहे हैं, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन की दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, गहरी होती भी जा रही है। कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिशन तो है ही, किस तरह के इनोवेशन की जरूरत है? इनोवेशन आएंगे तो वहां पर एक ग्राहक की सुरक्षा का भी सवाल आएगा और कारोबार में पारदर्शिता का भी सवाल आएगा, तो कैसे आगे बढ़ा जाए? पहले तो मैडम, मैं आपको ये बता दूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट का खरीद फरोख्त होता है और सेल परचेज होता है, और जो दूसरा माध्यम है प्रोडक्ट को सेल और परचेज करने का, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। पहली बात तो जितना भी अच्छा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगा, ABCDEF जो भी कंपनीज है जो अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करती हैं और जिनमें रीबाइंग होती है, रीबाइंग का मेरा मतलब बड़ा सीधा सा है कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार बेचा जाता है और खरीदा जाता है, एक ही कस्टमर एक ही प्रोडक्ट को बार बार बाय करता है,
तो इनोवेशन इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कंपनी तभी ही बड़ी होती है जब एक ही कस्टमर उसी प्रोडक्ट को बार बार खरीदता है, और बार बार तभी खरीदेगा जब उसका क्वालिटी, उसका वैल्यू और उसका प्राइस उसको माफिक लगेगा बाजार के मुताबिक। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए कि वो इनोवेटिव रहेगी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में, क्योंकि उसका प्रोडक्ट अगर बार बार बिकेगा नहीं तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर असली और नकली का भेद मालूम चलेगा, क्योंकि जो नकली कंपनी रहती है वो रिक्रूटमेंट पे पैसा देती है। आपने किसी एक व्यक्ति को रिक्रूट किया एंड यू विल अर्न 10,000 रुपीज और 5,000 रुपीज, उसके बाद वो बाइंग करे कि ना करे उस किसी को कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो रिक्रूटमेंट पे पैसा नहीं होता, वो रीबाइंग का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं अपने प्रोग्राम्स में भी बोलता हूँ कि ये कल्टीवेशन का बिजनेस है, हंटिंग का नहीं है। जो नकली कंपनी है वो हंटिंग करती है बेसिकली। तो इनोवेशन करना पड़ेगा सारी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। प्राइसिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ई कॉमर्स के ऊपर आपको पता है कि टफ कंपटीशन है, तो सारी कंपनियों को अपने प्राइस के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। क्वालिटी नो डाउट वैसी रखनी पड़ेगी कि एक ही कस्टमर वही प्रोडक्ट को बार बार बाय करे। अच्छा, रिक्रूटमेंट के मामले पर थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ मैं, खन्ना साहब, अगर आप प्रकाश डाल सके। क्वालिटी ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पर काफी हद तक मायने रखती है, किस तरह के स्किल सेट और एक्सपर्टीज पर तवज्जो देना चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, हमारे जो इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि जो यंगर एलिमेंट है, जो ग्रेजुएट हैं, जो 12वीं पास हैं, जो जो पढ़ लिख के बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और लाखों लाखों लोग हैं हर स्टेट में, तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी हुई है कि कोई भी नया एवेन्यू एम्प्लॉयमेंट का, इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग में जा सकते हैं। और सोनू जी बताएंगे डायरेक्ट सेलिंग में क्या चाहिए आपको, अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छे बोलने का तरीका, अच्छा समझाने का तरीका और अप्रोच करने का तरीका। और जो आदमी ये सब गुण रखता है वो डायरेक्ट सेलिंग में जा सकता है। और आजकल तो ये है कि आजकल ई कॉमर्स वालों ने तो आर्मी यंग लोगों की रिक्रूट करी हुई है, जो मोटरसाइकिल स्कूटर पे अपना बस्ता पीछे उठा के और माल डिलीवर कर रहे हैं। तो जो उनमें से बढ़िया इन क्वालिटीज को रखते हैं वो डिलीवरी बॉय की जगह पे सेल्समैन भी बन सकते हैं, और उनका लेजिटिमेसी होगा, उनके पास आइडेंटिफिकेशन होगा, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से वो जुड़े होंगे तो घर घर जाके भी वो ये माल बेच सकते हैं। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक नई तरह की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाएगी, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलर है वो उस तरह का एम्प्लॉय नहीं है जो तनख्वाह के बेसिस पे काम कर रहा है और जो दफ्तर में बैठा हुआ है, वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे माल बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा, और माल बेच नहीं पाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बिजनेस को भी बढ़ाएगा और अपनी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ जी। महिलाओं के रोल में सोनू जी कितना और इजाफा हो सकता है, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं एज एन एम्प्लॉई ट्रस्ट फैक्टर भी लेके आती हैं, स्पेशली अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूँ। अब जिस तरह से हम महामारी से भी गुजरे हैं, आगे चलते हुए क्या आपको लगता है कि जो प्रपोर्शन हम विमेन का देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर में, इसमें इजाफा होगा या इस पर भी खास फोकस देना चाहिए कंपनियों को? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैडम, जो 50% आपने पार्टिसिपेशन की बात की है लेडीज की, महिलाओं की, वो 50% पार्टिसिपेशन हिंदुस्तान का डेटा नहीं है, वो आप ग्लोबल डेटा की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी ये डेटा बहुत कम है जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है। अब चूंकि इस नोटिफिकेशन के बाद, इस प्रोटोकॉल के बाद, इस रूल्स रेगुलेशन के बाद, इस लॉ के बाद, मेरे को 100% ये श्योरिटी है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि जो 50% का डेटा आप बता रहे हैं वो ग्लोबल डेटा है, हिंदुस्तान के हिसाब से ये 50-50 का रेशियो अभी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है महिलाओं के लिए, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो महिलाएं अपने घर में बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं। वो सिर्फ घर में बैठ के अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ, अपने इन लॉज को देख रहे, अपने हस्बैंड की सर्विस के साथ साथ अपने घर में बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। सर, रजत बैनर्जी जो है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन, उनके जरिए जो स्टेटमेंट आई है, मैं वही स्टेटमेंट का जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ, जहाँ पर उन्होंने खासतौर से लिखा हुआ है कि 50% यहाँ पर महिलाओं को लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाता है इस सेक्टर की वजह से, की तरफ से। मैडम वो ग्लोबल डेटा है मैडम, हिंदुस्तान में 50% और 50% का रेशियो नहीं है। आई एम इन द फीट फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स। अगर मैं प्रोग्राम करता हूँ कहीं 10,000 लोगों का, तो उसमें 1,000 लेडीज होती हैं और 9,000 जेंट्स होते हैं, राइट? तो वो ग्लोबल डेटा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो डेटा ग्लोबल है।
इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा वैक्यूम है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए कि वो फ्रंट में आ सकती हैं और उनमें काबिलियत है। महिलाओं में मैं हमेशा से मानता हूँ कि पुरुषों से ज्यादा काबिलियत होती है इस बिजनेस को बिल्ड करने की। अब वो सेफ सिक्योर एनवायरमेंट में इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगी इस नोटिफिकेशन के बाद, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 साल के अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है इस फील्ड में ड्यू टू दिस नोटिफिकेशन। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बार फिर से ग्राहकों की सुध आई है, जिसके चलते हमने ये अधिसूचना और ये नियम जारी होते हुए देखा है। एक बार फिर से डायरेक्ट सेलिंग जो एक सेक्टर है लगातार सवालों के सर्किल में घिरा रहता है इन टर्म्स ऑफ पारदर्शिता, और जिस भी तरह की यहाँ पर मनी मेकिंग प्रैक्टिसेस हमने होती हुई देखी है पिछले दिनों, इसको लेकर कवायद एक बार फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि ये सेक्टर आगे बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन को फेस करने में कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर सिंह में आज के लिए इतना ही, मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।